मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामईन, रिज्क की बरकत को लेकर आज तकरीबन तमाम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हम कमाई भी करते हैं, रोजी भी कमाते हैं, अच्छी जॉब भी है, लेकिन उसके बावजूद भी रोजी में बरकत नजर नहीं आती। तो रोजी में बरकत के बेशुमार वजायफ वगैरह सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहते हैं, लेकिन उलमाए किराम, मुफ्तियाने एजाम और ख़ास तौर से सूफियाए किराम ने रोजी में बरकत का जो वजीफा नक़ल किया है वो बहुत बड़ा और अहम वजीफा है, हमारे लिए बड़ा ही बेहतर है। और वो ये है कि जो शख्स अपने वालदैन के लिए, वालदा या वालिद अगर जिंदा हैं तो भी, और अगर इंतकाल कर गए हैं तो भी, अगर रोजाना उनके लिए दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला दुआ करने वाले के रिस्क में बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। अगर वालदैन दुनिया में हैं तो उनकी सेहत सलामती की दुआ करें, और अगर रुख्सत हो गए हैं तो उनके सगायर कबायर गुनाहों की माफी और दरजात की बुलंदी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। लेकिन अगर नेक और साले औलाद होगी तो ये ऐसे ही वालदैन के लिए सवाब का जरिया है कि वो जब जब भी नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, या कुरान पढ़ेगी या नमाज पढ़ेगी तो वो खुद ब खुद अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुरानी एतबार से वो अपने वालदैन के लिए दुआएं ज़रूर ब ज़रूर करेगी। तो वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चे को नेकी की तरफ तरगीब दे ताकि वो उसके लिए दुआएं भी करें, और बच्चों को भी चाहिए कि अपने रिस्क में बरकत के लिए, अपने रिस्क में तरक्की के लिए और अपने रिस्क में मजीद वसअत के लिए दिन में एक मरतबा ज़रूर वालदैन के लिए दुआ करते रहे, और हर नमाज के बाद अगर करे तो ये तो और ज़्यादा बेहतर अच्छा अमल है। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।